नमस्कार दोस्तों, ये 52 साल की महिला का पाम है। इस पाम को देखे तो बहुत लिमिटेड लाइन है, पर सब बढ़िया लाइन है। यहाँ पर देखे तो ये कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते, हर कार्य मेहनत से पूरा करते, और इनका अंगूठा देखे तो काफ़ी सशक्त है और बहुत बड़ा भी है पाम के मुकाबले। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, और जब थोड़ा सा मुड़ता है तो व्यक्ति आसपास के लोगों से दोस्ती करने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है, यानी इनकी जान पहचान चुटकी बजा कर होती है लोगों के साथ। ये एक सबसे बड़ा इनमें गुण होता है, और काफ़ी स्ट्रांग अंगूठा है। इनसे आप बेटा बनकर चाहे जो ले लो, बाप बनकर कभी नहीं ले पाओगे, इतना स्ट्रांग अंगूठा है। स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा इनका, और इनकी उंगलियां भी काफ़ी मांसल है, और यहाँ पर अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक क्षमता अच्छी खासी होगी इनमें। दूसरी चीज, ये पार्ट अच्छा खासा स्पेस मिला हुआ है। जब इस तरह का स्पेस मिलता है तो व्यक्ति ज़्यादा धन रहता है व्यक्ति के जीवन में, और समृद्धि ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऊपर के जितने माउंट है उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है। यहाँ पर देखे सूर्य की उंगली लगभग शनि की उंगली के पास पहुँच रही है, तो इनमें हिम्मत भी बहुत ज़्यादा होती है। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फाइलिंग तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति याद शक्ति, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को याद रखना, चीज़ें संभाल कर रखना, अकाउंट्स और पैसे के मैनेजमेंट में भी व्यक्ति काफ़ी एक्सपर्ट होता है। अब चलते हैं इनके बुध ग्रह पर। बुध ग्रह पर देखे तो एक सिंगल लाइन है, ये जब भी चमकती होगी, अभी तो फिलहाल नहीं चमक रही है, पर ये जब शाइन करती है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ होता है, और ये बार बार धन लाभ अचानक करवाती है। तो ये जब भी अचानक धन लाभ हो तब आपको इस लाइन पर नज़र रखनी चाहिए। ये जब भी शाइन करेगी तब आपके जीवन में अचानक धन लाभ आएगा। और यहाँ पर देखे तो बुध पर्वत इस पार्ट से दबा हुआ है और ये पार्ट उभार लिए हुए है, तो व्यक्ति पैसे से ज़्यादा जीवन में मान सम्मान को ज़्यादा महत्व देता है। इनको मान सम्मान की, पैसा इतना महत्व नहीं रखता इनके जीवन में जितना महत्व मान सम्मान का रहता है। बहुत लिमिटेड साइन है, पर जो भी है बढ़िया है। यहाँ पर देखे तो ये कंप्लीट एक ट्रायंगल बन रहा है। जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है सूर्य पर्वत पर, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है, और धन के मामले में भी अच्छा खासा समृद्ध बनाता है व्यक्ति को। और यहाँ पर देखे तो एक शुक्र वलय बन रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ओपन है और यहाँ से ये चला, ये अर्ध शुक्र वलय है। ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। अभी तो इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, 52 ईयर्स है, पर ये शुरुआती जो इनका जवानी का पीरियड होगा उस समय मूड स्विंग का काफ़ी प्रॉब्लम रहता होगा इनको। सुबह अलग मूड, दोपहर को अलग, शाम को अलग, ये उस तरफ इशारा करती है। पर ये लाइन धन के मामले में भी व्यक्ति को समृद्ध बनाती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और सूर्य रेखा स्ट्रांग नहीं है तो व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता जीवन में। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति के पास बेसिक ज्ञान बहुत ज़्यादा रहता है, और उस ज्ञान के भरोसे लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पूछ कर काम करने वाले की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग लाइन शनि पर्वत पर चल रही है। इस तरह की लाइन वाला व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा लेता है, और 56 के बाद, उम्र 56 के बाद धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी पैसा खर्च करता है अपने दिल से, ये उस तरफ संकेत करती है। और बुढ़ापे तक पैसे की कोई कमी नहीं रहती इनके पास, जब तक जिएंगे तब तक पैसे इनके पास आते रहेंगे। अब इनके गुरु पर्वत को देखे तो गुरु पर्वत काफी स्ट्रांग है, और यहां से थोड़ा सा दबा है, बाकी ये पर्वत अपने आप में उभार है, यानी 90% कंप्लीट उभार है,
और ये इतना सा पार्ट रह गया, तो ये एक थोड़ा सा मन में मतभेद कराता होगा परिवार से, इससे ज़्यादा मतभेद रहते नहीं होंगे। पर इस तरह का गुरु पर्वत परिवार का विस्तार भी अच्छा होता है, बड़ा परिवार मिलता है इनको, चाहे जहाँ ये जन्म लिए होंगे वहाँ पर भी बड़ा परिवार होगा, और जहाँ ससुराल में आए होंगे वहाँ पर भी हो सकता है इनका बड़ा परिवार हो, क्योंकि जब आपका गुरु पर्वत होता है तो आपको छोटा परिवार नहीं मिलता, बड़ा परिवार ही मिलता है। एक वो रहता है, आपके हाथ से खाना बहुत अच्छा बनता है और कोई भी चीज़ विस्तारित बनती है, यानी फैला हुआ कामकाज होता है, बड़ा कामकाज होता है इनके जीवन में। पर एक माइनस पॉइंट होता है, जब गुरु पर्वत बड़ा होता है तो ईगो भी हर्ट होता है जल्दी व्यक्ति का। ये एक माइनस पॉइंट छोड़ दे तो बाकी सब प्लस पॉइंट ही रहते। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल पर। अंदरूनी मंगल पर देखे, हाँ, और ये जो गुरु पर्वत पर लाइनें जा रही है ये कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा करती है। अंदरूनी मंगल देखिए कितना क्लीन एंड नीट है, यानी शरीर की एनर्जी अच्छी खासी इनमें होगी। इस तरह का जब अंदरूनी मंगल होता है तो शरीर की एनर्जी अच्छी खासी होती है और काफ़ी क्लीन है, तो ज़्यादा टेंस लेने वाला व्यक्ति नहीं होता। भारी मंगल भी अच्छा खासा है, जिससे भी मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे, और संकट के समय हमेशा अपने लेवल पर संकट का सामना किया होगा। इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर यात्रा रेखाएं भी है, तो यात्राएं भी अच्छी खासी होगी, विदेश में भी जाने के मौके इनको मिल सकते हैं या मिले भी होंगे। और चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है तो रिफाइंड सोच होती है, प्लस व्यक्ति निर्णय शक्ति जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा एक मनी ट्रायंगल इनके जीवन में बन रहा है, थोड़ा सा ओपन है, पर इतना भी मनी ट्रायंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे का सुख देता है। हाँ, थोड़ा सा ओपन होने के कारण खर्च का पैमाना ज़्यादा रहता होगा इनके जीवन में, पर इस तरह का मनी ट्रायंगल नसीब वालों को ही मिलता है। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर देखें तो काफ़ी अच्छा है शुक्र पर्वत, और गुरु पर्वत भी जब किसी का अच्छा होता है तो ये भी दोनों प्लस पॉइंट होते हैं। धन के मामले में दोनों पर्वते व्यक्ति को हर तरह का सुख देते। शुक्र रहता है, व्यक्ति खर्च अधिक रहता है, व्यक्ति का प्रेजेंटेशन इनका अच्छा रहता है, अच्छे घर में रहते, अच्छी तरह से रहते, ये सारे गुण मिलते। और बहुत बार देखा गया है व्यक्ति को गर्मी सहन नहीं होती और कभी कभी पसीना भी किसी व्यक्ति को ज़्यादा निकलता है, तो ये सारे लक्षण इनमें अच्छे खासे होंगे। और सभी ग्रह देखिए इनके सभी उभार लिए हुए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब चलते इनके हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा कंप्लीट सीधी चल रही है, ये एक भरोसे लायक इंसान बनाती है। किसी के 10 रुपये भी या 100 रुपये भी बाकी होंगे तो व्यक्ति याद करके दे के आता है, इतने भरोसे लायक इंसान रहते ही है। हाँ, इनके घर वालों को एक कंप्लेन होगी कि इनके मन में प्यार नहीं है, इनको केवल प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, प्यार भरपूर रहता है, केवल प्रदर्शन करने नहीं आता, बस उसको छोड़कर कोई माइनस पॉइंट नहीं होता। और इनकी हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ एकदम सीधी, यानी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हार्ट लाइन पर भी दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ी सी डार्क है तो झंझटें जीवन में चलती रहती होगी, उसको छोड़कर कोई माइनस पॉइंट नहीं है। इनकी माइंड लाइन भी देखें तो कंप्लीट जीवन रेखा से टच होकर सीधी चल रही है और सीधी यहाँ तक है। अब थोड़ी सी छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा तो रहती है, पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आने पर व्यक्ति विस्फोटक हो जाता है। और इस माइंड लाइन पर भी देखें तो थोड़ी डार्क है, तो ये भी, ये जब हार्ट लाइन और ये दोनों डार्क होती है तो व्यक्ति अपना जीवन नहीं जीता, किसी और के लिए जीता है,
यानी कोई ना कोई मगजमारिया व्यक्ति के जीवन में रहती ही है, वो फ्री नहीं रह पाता, कोई ना कोई दबाव चलते ही रहता है जीवन में, उससे मुक्त नहीं हो पाता। ये उस तरफ इशारा कर रही है, यानी इन्होंने अपना जीवन कभी जिया नहीं होगा खुल के, ये दूसरों के लिए ही जिए होंगे, ये इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन से लग रहा है। अब चलते इनकी जीवन रेखा पर, जीवन रेखा देखे तो यहाँ से 9-2-1 बदलाव यहाँ पर आया होगा लगभग 12 या 14 साल के आसपास, एक लगभग 18 साल के आसपास इनके जीवन में आया होगा बदलाव, और यहाँ से इनकी जीवन रेखा चलकर यहाँ जॉइंट हो रही है। और इसी जीवन रेखा पर देखे तो उम्र लगभग 29 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, एक 36 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, एक 48 के आसपास हल्की सी राहु रेखा ने काटा है, एक 52 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, और एक राहु रेखा उम्र 59 के आसपास इनको काट रही है। ये इतना पीरियड कोई ना कोई टेंस आया होगा या आएगा, और उसके बाद इनकी जीवन रेखा देखे तो काफ़ी स्मूथ होकर यहाँ आकर एक जॉइंट यहाँ लग रहा है। तो ये 70 के आसपास इनके जीवन में और एक बड़ा मोटा पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में आएगा, और उसके बाद ये जीवन रेखा इनकी बन जाएगी और ये कंप्लीट इस तरह से कव ले रही है। हाँ, ये पीरियड जो रहेगा ये ट्रांसलेटर पीरियड रहेगा, ये एक बदलाव वाला पीरियड रहेगा इनका 70 के आसपास, और ये पॉजिटिव बदलाव होगा, नेगेटिव नहीं। अभी इनका एक सवाल था, किसी भी जब उम्र वाला व्यक्ति हो जाता है, बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, फिर भी जब 50 के आसपास आ जाता है तो स्वास्थ्य के बारे में पूछता है, तो इनकी स्वास्थ्य के बारे में 20 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य इनका कमज़ोर रहेगा 70 के आसपास, ये 20 साल तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पर मोटापा ज़रूर इनका ज़्यादा रहा होगा, ये लगभग 52 से लेके लगभग 40 से जो 36 से बढ़ना शुरू हुआ होगा मोटापा, तो ये 52 तक रहेगा। तो ये जब इस तरह के जीवन रेखा होती है तो छोटे मोटे कोई ना कोई शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहती है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम में होती रहती है, क्योंकि जीवन रेखा सूज गई रहती है। पर यहाँ से तो देखे 52 के बाद इनकी जीवन रेखा थोड़ी सी पतली होते होते अच्छी खासी बन रही है, तो धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता जाएगा, और 70 के आसपास इनके जीवन में एक बदलाव आएगा, और इस तरह से इनकी जीवन रेखा चल रही है। पर ये जो पार्ट रहता है, ये पार्ट जब जीवन रेखा आपकी सूजन भरी रहती है तो मोटापा भी आता है, मोटापा के साथ छोटी मोटी बीमारियाँ व्यक्ति को आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं, कितने को आती है और कितने को नहीं भी आती है, क्योंकि इनका अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता न भी आई हो, केवल मोटापा हो। अब चलते इनकी धन रेखा पर, धन रेखा देखें तो कंप्लीट केतु पर्व से शुरू होकर 36 के अंदर एक बदलाव आया इनके जीवन में, और ये रेखा देखें तो मोटी है, ये रेखा देखे तो यहाँ तक मोटी है। तो जब मोटी होती है रेखा तो व्यक्ति के जीवन में इतना धन नहीं आता जितना वो चाहता है, पर यहाँ से इनके जीवन में एक बदलाव आया होगा 36 के आसपास से ये रेखा यहाँ चली, और एक बदलाव इनके जीवन में आएगा 56 के आसपास, कोई ना कोई कार्य क्षेत्र चेंज होगा और ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग इनकम के स्रोत बनेंगे इनके पास, और बड़े स्रोत इनके क्रिएट होंगे, और कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव कमाई के साधन में इनके जीवन में आने वाला है, और नॉन स्टॉप कमाई रहेगी, कोई प्रॉब्लम जैसी बात मुझे दिख नहीं रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।